ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं अपने स्टूडियो से हूँ और जैसा कि इस समय बांग्लादेश में माहौल चल रहा होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा, इतना मतलब घिनौना काम बांग्लादेश के देशवासी तो उनको बोलना बेकार लग रहा है। वहाँ के जो नागरिक हैं इतना घिनौना काम कर रहे हैं और किए हैं कि जो मतलब अपना छवि दिखाएं कि वो कैसे हैं। आप सोचो कि बांग्लादेश में जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनको बोल सकते हैं शेख हसीना जी, जो कि अभी इस्तीफा दे चुकी हैं और वहाँ से फरार हुई और अभी फिलहाल में इंडिया में सेफ है। अगर वह सोचो अगर वहाँ पर रही होती तो क्या हुआ होता। तो शुरू से शुरू करते हैं, क्या हुआ सब कुछ आपको बताते हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से वहाँ पर प्रदर्शनकारी मतलब वहाँ पर हंगामा चल रहा था। वहाँ पर पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार हंगामा चल रहा, मौत हो रहा है, लोग हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब चल रहा था। और उसके बाद पिछले 1-2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। वहाँ के नागरिक पीएम आवास में गए, वहाँ पर तोड़फोड़ किए। हालांकि जब वो पहुँचे उससे पहले ही शेख हसीना वहाँ से फरार हो चुकी और वो भारत में सेफली आ गई। वहाँ पर गए, वहाँ पर उनके कपड़ों को मतलब पब्लिकली सब लेकर भाग रहे हैं। तो कोई वहाँ का सोफा लेके भाग रहा है पीएम आवास में, कोई चेयर लेके, कोई मुर्गी लेके, कोई मुर्गा लेके, कोई मतलब पालतू जानवर जो वहाँ पर पीएम आवास में रखे गए थे वहाँ पर उसको लेके फरार हो रहा है। मतलब उनके घर में घुस के कब्जा किया गया है, वहाँ पर सोफे सो रहे हैं, तो मतलब वहाँ जो सामान रखा गया था उसको खा रहे हैं। इस तरह से वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पर हंगामा किया। मतलब यार बहुत बुरी, अगर सोचिए अगर शेख हसीना वहाँ पर रहती तो ये लोग क्या करते। उनके ब्रा जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसको पब्लिक में लेके गया, उछाला गया, वीडियो बना के डाला गया फेसबुक इंस्टाग्राम पे, उसको पोस्ट किया जा रहा है, उनके ब्रा को दिखाया जा रहा है। बताओ वह जो लड़का या जो इस तरह से दिखाया है, जो किया है, मैं उसकी बात अगर करूँ तो उसे हसीना उसके माँ की उम्र की होगी और वह बंदा इस तरह काम कर रहा है। अरे आपको मान लीजिए, चलिए आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम रही हो, वह आपका मैटर है, आप अच्छे जानोगे। आप किसी चीज़ से प्रॉब्लम, आपको शेख हसीना से प्रॉब्लम, आपके आपको जो भी प्रॉब्लम हो, तो कि यार आपका प्रॉब्लम ये है कि आप उसका ये सब चीज़ें उड़ाओ, इस तरह से चीज़ें मतलब हंगामा करो, चीज़ों को पब्लिकली दिखाओ। यार एक प्राइवेट चीज़ भी प्राइवेट होती है। आप मतलब उसका अंडरगारमेंट्स या फिर अगर सोचो जिस हिसाब से हंगामा कर रहे हैं, अपने देश की छवि को बहुत आगे ले जा रहे हैं, देश में नाम कर रहे हैं, अगर शेख हसीना रहती तो उसके साथ ये लोग कुछ भी कर सकते थे। जैसे उसके बाप को मारा इन्होंने उसी तरह, तो फिर उसको भी छोड़ते नहीं, अब कुछ भी उसके साथ हो सकता था, कुछ भी, समझ रहे हैं ना। जो बंदा उनके ब्रा को उठा के पब्लिक दिखा सकता है, जो क्या बोले, तो सच में बहुत शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जो कि सच में ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए था। बांग्लादेश के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हंगामा करो एक लेवल में करो, लेकिन यार किसी के पर्सनल चीज़ों को इस तरह से कर रहे हो, गलत है, सरासर गलत है। बाकी अभी जो भी हो रहा है बांग्लादेश में, अब उसके ऊपर आप लोग कमेंट करेंगे क्या वो सही है। और शेख हसीना फिलहाल में अभी भारत में मौजूद हैं, सेफ हैं, और विदेश के लोग उनको अपने नागरिकता देने के लिए मना कर रहे हैं, अपने यहाँ मतलब टोटली अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में शेख हसीना का क्या होता है, उनके साथ क्या होगा, वो बांग्लादेश जाएंगी नहीं जाएंगी, और भारत वर्सेज बांग्लादेश का क्या रिश्ता रहता है, तो सब कुछ देखते हैं। धीरे धीरे आपको कवरेज दिखाऊँगा, कवरेज बताऊँगा, जैसा भी कुछ होगा। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।